देखिए, पंजाब में आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि खुद सीएम चौतरफा सवालों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी आज अमृतसर और जालंधर के दौरे पर होंगे। पंजाब में कांग्रेस का किला बचेगा या ढह जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले खुद सीएम चन्नी सवालों में आ गए हैं। चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी को लेकर पंजाब का सियासी पारा गर्म है, और गर्म माहौल में आज राहुल गांधी पंजाब में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां वो पंजाब के सभी 117 उम्मीदवारों से मुलाकात भी करेंगे। दौरे की शुरुआत अमृतसर में स्वर्ण मंदिर दर्शन से होगी। सबसे पहले सुबह 9 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे, सभी 117 उम्मीदवारों के साथ लंगर में शामिल होंगे। इसके बाद 10 बजे अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगे। दुर्गियाना मंदिर में राहुल के साथ सभी 117 उम्मीदवार भी होंगे। सुबह 11 बजे पार्टी के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जाएंगे। धर्म स्थलों पर मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी का कारवां अमृतसर से जालंधर पहुंचेगा, जहां वो वर्चुअल रैली से पंजाब फतेह को संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति बहुल दोआबा इलाके में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली है। पंजाब कांग्रेस ने इसके लिए नई सोच नया पंजाब नारे के साथ पोस्टर भी जारी किया है। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी जितनी बार भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस का सच जान लिया है। लेकिन राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके मौजूदा सीएम ही है। रिश्तेदारों के घर छापेमारी में करोड़ों की नकदी मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे सीएम चन्नी तक भी पहुंच रहे हैं। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि जो चन्नी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा सैंड माफिया वो है, इलीगल सैंड माइनिंग करा रहा है। आज ईडी की रेड होने 10 करोड़ रुपया मिला है, ये तो एक उनके रिश्तेदार पे घर में मिला है। अगर ये सीएम चन्नी के घर पे रेड होती तो 100 करोड़ निकलना था। ABP News आपको रखे आगे।